हेलो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ बैंक्रप्टी को बाई किया हुआ है दोस्तों। मैंने इसको बाई किया हुआ है स्कैंडल के क्लोजिंग के जस्ट बाद ही हमने इसको बाई किया है दोस्तों। अराउंड 139 के लेवल के आसपास इसको बाई किया हुआ है। ये हम लोगों का बाइंग लेवल है। ओके दोस्तों, हमने इसको 139 के आसपास इसको बाई किया हुआ है। क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस हमें प्लान करना चाहिए, हम वो लगा लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद अपना क्या लॉजिक है, क्या सेटअप है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अभी हम आज के हिसाब से टारगेट लगाएं दोस्तों, तो हम लोगों का टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ के स्टॉप लॉस हिट करने आएगा, ठीक है, यहाँ के स्टॉप लॉस लेने के लिए आ सकता है मार्केट, जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का जनरल ट्रेंड है जो है अप ट्रेंड। तो हम यहाँ से ये 102 पॉइंट का, यहाँ से ओके 101, ओके 241 का हम अपना टारगेट लगा देते हैं। 36,241 का टारगेट रहेगा। इसके अगेंस्ट हम लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रख देंगे हम लोग इसके लो का, ओके 36,0, ओके 36,037, ये हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके अगेंस्ट हम लोगों का टारगेट रहेगा 36,241 का। ओके दोस्तों, अभी करंटली मार्केट हमारी कॉस्ट से 15-16 पॉइंट ऊपर चल रहा है। जैसा भी होता है, एक बार मैं अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपडेट करता हूँ, डिस्कस करते हैं अपने सेटअप का। ओके दोस्तों, यहाँ हम लोगों अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा दिए हैं। करंटली मार्केट हमारी कॉस्ट से 20 पॉइंट के आसपास अबव चल रहा है। अभी इसने रिसेंटली हाई लगाया है इस कैंडल ने, देखिए 164 का। ओके तो यहाँ हम लोगों को जो प्रॉफिट चल रहा था 24 पॉइंट के आसपास चल रहा था। ओके अभी करंटली हम लोगों को 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था, वो मैं अभी इस ट्रेड को थोड़ा मूवमेंट होने दीजिए, जैसे ही ट्रेड कंप्लीट होती है आप लोगों के साथ अपना सेटअप है वो डिस्कस करता हूँ। सिंपल सेटअप पर मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कराया है, वीडियो में बने रहें, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। का अगेन हाई लगाया हुआ है, तो 199 पे इसको यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है मार्केट को दोस्तों, जो कि है ये लेवल का। ओके ठीक है दोस्तों, यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है हमें यहाँ, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल जो हमें यहाँ देखने को मिली है। इसके बाद में यहाँ से एक थोड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद मार्केट अगेन अपने ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। दोस्तों मार्केट अगेन आया हुआ है 200 के लेवल पर, 36,200 के लेवल के आसपास मार्केट आया हुआ है। अभी इसने रिसेंटली हाई लगाया है 197.8 का। तो दोस्तों मार्केट को इस लेवल से बार बार रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है, अगेन सेकेंड टाइम इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया हुआ है मार्केट। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में, तो मार्केट यहाँ जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़ेंगे वो हिट करने के लिए आ सकता है। और क्विकली ही जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा, तो हमें यहाँ अपना टारगेट अचीव करने में बहुत ही इजी होगा। ओके दोस्तों, बहुत ही आसानी से हमें अपना टारगेट मिल जाएगा, क्विकली एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है मार्केट में। ओके दोस्तों, अभी करंटली हम लोगों को यहाँ प्रॉफिट चल रहा है 55 पॉइंट के आसपास का। वीडियो में बने रहें, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों ये जो 36,200 का लेवल है, ये बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। ये देखिए मार्केट ने अब जाकर के 36,200 का पॉइंट को टच किया हुआ है, 36,200 के, ओके 199.75, 199.85 से बार बार नीचे आ रहा था। ओके दोस्तों, अगर अब ये इस लेवल को ब्रेक करता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में, तो हमें अपना टारगेट
ग्रैब करने में बहुत आसानी होगी और यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है, और हो सकता है हमें अपना टारगेट एक फ्लिक के साथ में ही मिल जाए। 206 इसने अभी रिसेंट हाई लगाया है दोस्तों, 206, 205। ओके दोस्तों, मिलेगा मिलेगा हमें अपना टारगेट मिलेगा, इजीली मिलेगा दोस्तों। 2013 इस कैंडल का हाई है दोस्तों, 2013.20। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस लेवल पर मार्केट जो भी स्टॉप लॉस पड़े होंगे लोगों के, वो हिट करने के लिए आएगा। और ये देख लिया मार्केट ने यहाँ भी इसका इसको टच करने का कोशिश किया है। इसका हाई है 222, यानी कि 3622 का 2290 का हाई है। यहाँ जो स्टॉप लॉस पड़े हैं वो लोगों का मार्केट ने हिट कर दिया है। अब बारी है दोस्तों इस लेवल पर जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे वो हिट करने की, और हम लोगों का जो टारगेट है इस स्टॉप लॉस से पहले निकलने का हम लोगों का यहाँ टारगेट है। ओके दोस्तों, करंटली हम लोगों को इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 70 पॉइंट के आसपास, हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है। वीडियो में बने रहें, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। हेलो दोस्तों, यहाँ अपना टारगेट हिट हो चुका है। ये वीडियो मैं आफ्टर मार्केट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। एक्चुअली जब मार्केट अराउंड दिस लेवल के आसपास कहीं था तो मैंने अपनी वीडियो को पोज कर दिया था और मैं अपना लंच करने के लिए चला गया और अपने कामों में थोड़ा बिजी हो गया। ठीक है दोस्तों, अपनी ये ट्रेड हिट हुई थी उस टाइम अपने मोबाइल पर इसको ट्रैक कर रहा था, लाइव रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी थी। ओके, तो अभी मैं आप लोगों के साथ अपडेट कर देता हूँ कि क्या हम लोगों का लॉजिक था, क्या सेटअप था। दोस्तों यहाँ देखिए, हम लोगों की जो एंट्री हुई थी वो अराउंड 11:43 पर एंट्री हुई है, टारगेट हिट हुआ है यहाँ 1:15, यानी कि लगभग हम लोगों को यहाँ 1.5 घंटे से ऊपर मार्केट में आज हम लोगों को स्टक रहना पड़ा। अगर हम टाइम देखें तो ये देखिए, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी ये, यानी कि ये देखिए 1 घंटा, और यह हमारा टारगेट हिट हुआ था 1:32 हम लोगों को मार्केट में आज फंसे रहते हैं। फंसे क्यों रहे थे दोस्तों, एक्चुअली मार्केट ने, आप मॉर्निंग से देखो, एक अच्छा खासा अपमूव दिखाया था। अपमूव दिखाने के बाद में मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, तो ये रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद में मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन तो दिखाई गई, और एक ही रेंज में जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कराई थी मार्केट में तो एक ही रेंज में मार्केट घूमते रहा था। ओके, तो यहाँ साइडवेज हो गया था मार्केट, तो इसलिए हम लोग यहाँ मार्केट में स्टक हो गए और हमें यहाँ वेट करना पड़ा अपने टारगेट को हिट करने के लिए। एक्चुअली हम लोगों की जो एंट्री थी वो एक परफेक्ट लेवल पर एंट्री थी, क्योंकि उसके बाद में मार्केट ने नीचे की साइड में कोई मूवमेंट नहीं दिखाया था, मात्र 2 से 3 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया था, जो कि ठीक है। उसके बाद मार्केट अपने लेवल से हमेशा अपसाइड में ही रहा है और फाइनली हम लोगों के यहाँ टारगेट हिट हो गया। तो दोस्तों आते हैं लॉजिक पर, लॉजिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं सब रिमूव कर देता हूँ और आप लोगों के साथ मैं अगेन डिस्कस करता हूँ रिड्रॉ करके। ओके दोस्तों जब हम लोगों ने ट्रेड ली थी, मैं यहाँ 5 मिनट के चार्ट पर और सिंगल मिनट के चार्ट दोनों को एनालिसिस कर रहा था दोस्तों, तो यहाँ ये देखिए, ये ट्रेड लाइन जो थी, ये वाली ट्रेड लाइन, यहाँ हमें ब्रेकआउट मिला। ओके दोस्तों, यहाँ हमें इस ट्रेड लाइन में ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ देखिए, मैंने यहाँ वेट किया लास्ट किसका। ओके, इस वाली कैंडल में हमें सिंगल मिनट पर ब्रेकआउट मिला हुआ था, 5 मिनट के कैंडल पर हम देख रहे थे, सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई थी, इसको रिटेस्ट किया और इसके ऊपर क्लोज हुई। अगेन जो ये थर्ड वाली कैंडल थी, मैंने इस पर अपने ट्रेड को यहाँ कहीं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा दिया, जो कि इसका लास्ट किस पर मैंने इसको यहाँ एग्जीक्यूट कराया। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है हम लोगों का, यहाँ ब्रेकआउट। सेकंड लॉजिक क्या है, जैसे अपन देखेंगे बैंक निफ्टी का अगर सिंगल मिनट का चार्ट देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, ये मेरा मॉर्निंग का ही ड्रॉ किया हुआ था, ये बियरिश चैनल था वो नैरो होते जा रहा था और मैं वेट कर रहा था इसके ब्रेकआउट का, तो हमें यहाँ ब्रेकआउट मिला था इस लेवल पर, जो कि 5 मिनट के कैंडल पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था, 5 मिनट के चार्ट पर ब्रेकआउट बता दिया था, फिर उसको सिंगल मिनट में मैं टैली कर रहा था तो ये बियरिश चैनल बन रहा था। ओके, इसका ब्रेक होने के बाद में हम लोगों ने इसका रिटेस्ट का वेट किया और रिटेस्ट के साथ साथ में हम लोगों ने अपने ट्रेड को यहाँ कहीं एग्जीक्यूट कराया था इस वाली ग्रीन वाली कैंडल पर। ओके दोस्तों, ये इंडाइसेस के हिसाब से हमने अपने ब्रेकआउट के हिसाब से एग्जीक्यूट कराया। दूसरा लॉजिक क्या था दोस्तों, यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो फ्यूचर के चार्ट में मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये देखिए, यहाँ फ्यूचर के चार्ट में मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी उसी टाइम पे, कि यहाँ हमें एक डबल बॉटम के जैसे मार्केट बना रहा था जब हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराया था, यहाँ डबल बॉटम के जैसे मार्केट ने यहाँ बनाया हुआ था, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिल सकता था। सेकंड लॉजिक हम लोगों का डबल बॉटम पैटर्न हो गया दोस्तों। और तीसरा जो मेन लॉजिक है वो है दोस्तों यहाँ का फिबोनाची का सपोर्ट। अगर हम इंडाइसेस में आज का फिबोनाची लगा करके देखते हैं तो एग्जैक्ट 38.3% के लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ था जब हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराया था। तो देखोगे आज की रैली के हिसाब से, आज के बॉटम टू हाई का अगर मैंने सपोर्ट लगाया था, तो यहाँ हम लोगों ने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराया था, इस टाइम देखिए मार्केट ने 38.2% के लेवल से यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ था। ये देखिए 38.2% के लेवल से मार्केट इसी लेवल से बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो हम लोगों ने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा दिया। 38.2% का जो सपोर्ट लेवल होता है फिबो का, एक बड़ा ही रिट्रेसमेंट का अच्छा सपोर्ट होता है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सिंपल तीन लॉजिक पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराया था मैंने, ब्रेकआउट, डबल बॉटम पैटर्न और तीसरा यहाँ फिबोनाची का सपोर्ट। तीन सिंपल लॉजिक पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कराया। और दोस्तों बीच ट्रेड में एक्चुअली हमारा सेटअप इतना जबरदस्त था, मल्टी कंफर्मेशन इतनी सेटअप, हमारी जो मल्टी कंफर्मेशन थी सेटअप में वो इतनी जबरदस्त थी दोस्तों, कि हमने जब भी जैसे ही ट्रेड ली, मार्केट हमारे ट्रेड के अपोजिट तो गया ही नहीं, गया था 2-4 पॉइंट का, ठीक है वो थोड़ा वीक बनाई थी, लेकिन
हमारी ट्रेड के ऊपर ही मार्केट रहा, तो हमारी जो सेटअप था बहुत ही प्यारा और लॉजिकल सेटअप था। हाँ, भले ही हमें अपना टारगेट अचीव करने में टाइम लगा 1 घंटा 32 मिनट, बट ठीक है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह कि मार्केट आज हमारे पॉजिटिव साइड में ही रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया है 102 पॉइंट का। सिंपल लॉजिक था, जो लॉजिक थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। सिंपल ब्रेकआउट, फिबोनाची का सपोर्ट और डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।